सर, मैं 2013 से दिल्ली में TGT संस्कृत के पद पे कार्यरत था और मेरी माता की तबीयत ख़राब होने के कारण जो है मैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है छुट्टी पे था। किसी दिन की? एक हफ्ते की छुट्टी पे था। एक हफ्ते की? हाँ जी। और उसके लिए मैंने मेडिकल और एप्लीकेशन सारी चीज़ें मैंने दी हुई थी विद्यालय में। ये सर अभी जुलाई की बात है। हाँ जी। और उसके बाद जो है मुझे अचानक से बिना बताए बिना कोई इन्फॉर्म। कितने साल से कार्यरत थे स्कूल में? सर मैं 2013 से विद्यालय में कार्यरत हूँ। हाँ जी सर। और फिर मुझे बिना बताए बिना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिए कुछ मुझे बताए मुझे रिलीव कर दिया गया। उसके बाद से मेरे को सर 5 महीने हो गए और बेरोजगार हूँ मैं, घर बैठा हूँ और काफ़ी क्या कहते हैं चक्कर लगाने के बाद भी कहने के बाद भी मेरी कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं है और मुझे कहीं भी कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं कोई किसी प्रकार का मुझे सहयोग नहीं मिला, किसी प्रकार की मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिसके कारण मुझे आज यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ रहा है और अपने अधिकारियों के लिए अपने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने पूरी तन्मयता से 2013 से विद्यालय में पढ़ाया, सही से अपना अध्यापन कार्य किया, उसका सिला मुझे आज ये मिल रहा है कि आज मैं अपने रोड पर बैठा हूँ, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे माता पिता हैं और सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और वो सब जिम्मेदारियाँ मेरे से क्या कहते हैं अब मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया है। मैं किस मुँह से घर जाऊँ, कैसे अपने घर में घर वालों का वो जवाब दूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है। मैं रोज़ घर तो जाता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपने घर में क्या जवाब दूँ और बड़ी मेरी ख़राब स्थिति परिस्थितियाँ स्वयं इसमें गुजर रहा हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत साथी हैं जो इस समय रिलीव बैठे हुए हैं, मैं खुद इस समस्या से जूझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि किस तरह सरकार जो है हमारी उसको सुने और हमें क्या कहते हैं दोबारा से ज्वाइनिंग दी जाए विद्यालय में, दोबारा से हम अध्यापन कार्य जो है जिस जो हम कार्य करते आए कर रहे हैं उसमें हमें दोबारा से क्या कहते हैं ज्वाइन कराया जाए। हाँ सर, मैं दिल्ली में ही ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। 2012 से PGT पॉलिटिकल साइंस से हूँ। आपको किस कारण से निकास किया गया? सर मेरी जगह प्रमोशन से परमानेंट रेगुलर जो टीचर है वो आने की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया है और उसके बाद मैं लगातार E5 ब्रांच में DD जोन में जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी और ऑल सेक्ट्रेट सब जगह एप्लीकेशन दी है, उसके बावजूद भी हमें अभी तक बाहरी कर रखा है और उन्होंने कहा कि भाई आप नॉन सीटेट हो इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जबकि हमारे से पहले उन्होंने लगभग जुलाई अगस्त में नॉन सीटेट को भी PGT से TGT में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको जब नियुक्ति दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते। और सर ये है कि जैसे हमें एक्स अनुभव और डिस्ट्रिक्ट मुकाबले अनुभव के आधार पर हम एक्सपीरियंस के आधार पर देंगे ज्वाइनिंग आपके, तो हमने एक्सपीरियंस दे के हिसाब से किया, जब E5 में गए तो बोला भाई अनुभव के आधार पर देंगे, लेकिन वहाँ अब 2017 वालों को भी PGT पॉलिटिकल में ज्वाइनिंग दे दी गई जबकि हम 2012 से हैं तो उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है, यानी 2017 वालों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, नए वालों को फ्रेश को ज्वाइनिंग दे रहे हैं जबकि हमारे को पुरानों को घर बैठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये सब हमारा एक सरकार हमसे एक धोखा कर रही है, हमें किसी प्रकार का यानी हमें लुभाने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं कर रही है जिससे कि हम इनका साथ करें।